राइट अभी वक्फ के बारे में। वक्फ क्या है? ये एक ऐसा बोर्ड है, ठीक है, एक ऐसा बोर्ड है जो मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट जो रहता है ना उसको मेंटेन करता है। मुस्लिम चैरिटेबल बोर्ड मतलब जो भी अपने जो भी चैरिटी में पैसे देते करते हैं वो पैसों को मेंटेन करता, वो एक बोर्ड है। तो ऐसे ये कितने टाइप के बोर्ड है? मतलब स्टेट लेवल का बोर्ड है, सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, सेंट्रल लेवल ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ में क्या क्या रहते हैं, देखो एक थोड़े डेफिनेशन डाल डालो। वक्फ बोर्ड और वक्फ से रिलेटेड जो भी सेल्स डीड वगैरह आती है वो वक्फ डीड रहती। और ये वक्फ बोले थे ऑलरेडी मैनेजमेंट में है, ये वक्फ में एक बोर्ड मेंबर है, इसमें एक हेड रहता है सुपीरियर, उसको क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड चलाने वाला एक मैनेजर समझो उन्हें, उसको क्या बोलते हैं मुतावली बोलते हैं। किसको चलाने वाला? वक्फ बोर्ड को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है पर्टिकुलर दरगाह है दो मस्जिद है दो कुछ किसी एक चीज का, उसको क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड का ये मुतावली। अब मुतावली के क्या क्या रहते हैं? राइट्स रहते हैं, थोड़ा हक रहता है उसको, थोड़े पावर समझो राइट्स रहते हैं। और वो राइट्स ड्यूटीज, अब ये ड्यूटीज पूरा करने के वास्ते राइट्स तो होना ना उसको, लेकिन अगर ये राइट्स को और राइट्स को अपना मिस यूज करा उन्हों और ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करा तो उसको रिमूवल भी रहता। तो पहले राइट डिस्कस कर लेंगे। राइट्स में क्या है बोले तो सीधे सी, अब इसके राइट्स है। अब एक छोटी स्टोरी सुना, एक मुतवली था, उसको क्या करें मैनेजमेंट दिए कोई दरगाह में या फिर मस्जिद के प्रीमिसेस में, क्या दिए इसको ये इसका मैनेजमेंट करो बोल के दिए। तो उन्हें क्या करा एक बदमाशी से आरसीसी का घर बना दिया, बोल दिया इसके ऊपर FIR हो गया। राइट, आरसीसी का घर बना दिया इसके ऊपर क्या हो गया? FIR हो गया। आरसीसी का बना दी शादी, पहले राइट के बारे में बोला आरसीसी कर दी शादी, FIR हो गया उसकी। राइट, अब ये क्या है, उसको पावर दिए थे राइट्स दिए थे तो उन्हें मिसयूज करके उन्हें आरसीसी का घर बना लिया और FIR हो गया, ऐसा समझ लो। आरसीसी, अब आरसीसी का फुल फॉर्म देख लेंगे, रिम्यूनाइजेशन बोले तो इन्हें मुतवली है, इतना सब मेहनत कर रहा मैनेजमेंट कर रहा सब दूसरे गांव में छोड़ के जो इंटरेस्ट से वो कर रहा, तो इसकी भी फैमिली है तो घर भी इसका भी चलना, तो इन्हें भी उसमें से कुछ सैलरी के तौर पे ले लेता, सैलरी नदी गर्ल्स पर रिम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। इसके पास पावर्स की बात कर रहे हैं, ये इन्हें अपना सैलरी ले ले सकता। देन ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वक्फ बोर्ड, ऑन बिहाफ ऑफ दैट दरगाह प्रीमिसेस और मस्जिद प्रीमिसेस इन्हू कॉन्ट्रैक्ट ले सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता, ही कैन इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद में ही कैन फाइल केस रिलेटेड टू जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी भाई, आप कैसा इंटर हो गए बोल के कुछ केस फाइल कर सकता, या फिर कुछ भी अगेंस्ट ऑफ लॉ जा रहा हो वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वक्फ से रिलेटेड तो इन्हें केस फाइल कर सकता, और इन्हें सर्टेन रूल्स फ्रेम कर सकता, ही कैन फ्रेम रूल्स, ये दरगाह में ये नहीं होना, ये टाइम से ये नहीं होना, मस्जिद में ये नहीं होना, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी उसके टाइम पे एज अकॉर्डिंग टू टाइम चलना, या कुछ भी एक रूल्स फ्रेम कर सकता। राइट, अब उससे जो भी रेवेन्यू आता है या जो भी इनकम आती वो इनकम को इन्हें कलेक्ट कर सकता, कलेक्ट करके खुद ने खा लेना, इनकम आने के बाद में कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करना, ठीक है ना। ये हो गया, क्या हो गया, आरसीसी FIR बोलते इन्हों रह सकता अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे, वही प्रीमिसेस में रह सकता, बट उसकी प्रॉपर्टी ओन हो जाती, फैमिली के साथ रिसाइड विद फैमिली विथ फैमिली या विथ नॉट विदाउट फैमिली जो भी उन्हें रिसाइड कर सकता कहाँ पे, वो प्रीमिसेस वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर उन्हें रिसाइड कर सकता रह सकता। ये हो गया ना। नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टाफ मैनेजमेंट, जो भी स्टाफ रहेगा उसको उन्हें मैनेज कर सकता है, इसको उठा के उधर डाला उसको उठा के उधर डाला, उन्हें शफलिंग कर सकता, कुछ भी मैनेजमेंट कर सकता। तो ठीक है, आरसीसी बनाया इसलिए FIR उसके ऊपर बुक हो गई, RCC FIR, R से रिमुनरेशन, C से कॉन्ट्रैक्ट, C से केस, F से फ्रेम रूल्स, एंड R से रिसाइड्स एंड स्टाफ, I से इनकम, R से उन्हें रिसाइड कर सकता, S से स्टाफ मैनेजमेंट। तो ये चीजों से राइट्स, अब इसके बारे में ड्यूटीज पढ़ेंगे, ठीक है, अब ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या क्या है, आप ड्यूटीज को कैसे याद करेंगे? अपने पास फोन है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन है, ये एंड्रॉइड में सेम एंड्रॉइड को क्या लिखो, एम्ब्रॉइड लिख दो बस उतना, एम्ब्रॉइड, एम्ब्रॉइड फोन, ठीक है, ये उसकी ड्यूटीज है, उसको समझो मुतालिये को फोन दिया है, एंड्रॉइड फोन दिया है, फोन को सही मेंटेन करने का है, वो एम्ब्रॉइड का क्या है, फुल फॉर्म है, वो चीजों को मेंटेन करने का है, अगर फोन सही दिए, उसको फोन दिए, एम्ब्रॉइड फोन दिए, उन्हें सही मेंटेन नहीं करा तो उसके पास वो छीन लेते, तो उसकी ड्यूटी सही है, फोन में सही अप टू डेट अपडेट करते रहना, वैसे समझ लो, राइट, एम्ब्रॉइड, एम्ब्रॉइड में क्या है, सबसे पहले ऑडिट, ऑडिटिंग, जो भी अकाउंट, जो भी रेवेन्यू आ रही, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सब उन लोगों का प्रॉपर ऑडिट रहना, ठीक है, ही शुड बी अकाउंटेबल, राइट, ना, नेक्स्ट एम, जितने भी मीटिंग्स हो रहे वर्क बोर्ड वाले, सेंट्रल स्टेट वाले, सॉरी सेंट्रल वर्क बोर्ड वाले, स्टेट वर्क बोर्ड वाले, जब भी ना मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड दैट मीटिंग, उसकी ये ड्यूटी है कि वो मीटिंग अटेंड करे, तो ऑडिट हो गया, मीटिंग्स, देन बी, बी से जो भी बेनिफिट है, बेनिफिट शुड बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उसका जो भी रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो भी बेनिफिट वो उसको प्रीमिसेस को या वो मतलब वक्त को जो भी बेनिफिट पहुंचा सकता, वो बेनिफिट पहुंचाना अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उसके बियॉन्ड द लिमिट जाके नहीं करना, ठीक है, देन आर पानी राइट, ऑडिट, मीटिंग, बेनिफिट ऑफ प्रोवाइड, देन आर, आर से जो भी रिपेयरिंग हो रहे, जो भी रिपेयरिंग जैसा कुछ तो भी बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स आ गया या कुछ मशीन्स, लाइट्स, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो जो भी रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, रिपेयरिंग करना, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कुछ भी ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया उसको ओबे करना, फॉलो करना, इसकी कंपलसरी जिम्मेदारी है इसकी, ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जो अटेंड नहीं करे, तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहता, 100% मुतवली रहता, जैसे कि कुछ कोर्ट वाले ऑर्डर दे दिए, कोर्ट का ऑर्डर, ये लीज कर, ये प्रॉपर्टी सीज, ये लैंड सीज कर दो वगैरह, या फिर बीच में कोई और आ रहा, जो भी ऑर्डर दिया वो कोर्ट का ऑर्डर इन्हों फॉलो करना और देखना कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, जब भी बोर्ड, वर्क बोर्ड, सेंट्रल वर्क बोर्ड, स्टेट वर्क बोर्ड या दूसरे ये कोर्ट, कुछ भी इन लोगों का इन्फॉर्मेशन पूछे, तो ही शुड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू देम, 100%, क्या क्या होगा, AMBROID, लास्ट में डी इज नथिंग एल्स बट डिफेंस, कोई भी वो वर्क बोर्ड के ऊपर या पर्टिकुलर प्रीमिसेस जो भी ट्रस्ट है उसके ऊपर कोई केस बुक करा, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि डिफेंस करना, ठीक है, तो ये सब हेडिंग्स डाल देके उसको एलाबोरेट कर दो, एलाबोरेट कर दिए तो हो गया पूरा डिटेल आ जाता, राइट, अपन क्या क्या पढ़ लिए, राइट्स पढ़ लिए, राइट्स पढ़ लिए, ड्यूटीज पढ़ लिए, अच्छा राइट्स के लिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म RCCFIRS, ड्यूटीज के लिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म एम्ब्रॉइड, एम्ब्रॉइड, ठीक है, नाउ अब क्या बचा हुआ है, रिमूवल, क्या बेसिस पे इसको रिमूव कर सकते, बीइंग मुतवल्ली अगर इन्हें क्या चीज गलत कर रहा या अपने राइट्स का मिसयूज कर रहा तो उसको निकाल सकते, क्या है बोले तो, अगर इसको निकाल देना तो सबसे बड़ी बात इसके ऊपर एक बम डाल दिया, इसके ऊपर चल तू निकल, बोल निकाल दिया बोले तो इनकम चल जाती, रिलेशन चल जाती, पोजिशन भी चल जाती, तो एक बम डाल दे रहा उसके ऊपर, राइट, BOMB, बम क्या होगा जुने दी, ठीक है, बम डाल दी, देन क्या है वो बोले तो, कब डालते ये, जब उसके राइट्स का मिसयूज करा तो या ड्यूटीज फुलफिल नहीं करा तो, ये दोनों से करे तो रिमूवल कर देते उसको, उसको क्या है, BOMB, बम के क्या है, पहले अगर बिकेम अनसाउंड माइंड,
पागल हो गया उन्हें, जो दिल में कर ले रहा, जो बोले वो डिसीजन ले ले रहा, ऐसा वैसा कर दे रहा, नए करने की चीजा कर दे रहा, तो वो ही बिकेम अनसाउंड माइंड। देन और ऑब्लिक ऑब्लिक और ओबे नहीं करा, समझो उन्हें ओबे नहीं करा किसके कोर्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट को, ऑर्डर ऑफ कोई भी कोर्ट अगर कुछ ऑर्डर दी उसके उसके अगेंस्ट में गया या वो ऑर्डर ने फॉलो नहीं करा, देन उसको रिमूवल कर देते, राइट। मिस अप्रोप्रिएट ऑफ अकाउंट, मिस अप्रोप्रिएट कुछ भी चीज में गड़बड़ करा, मिस अप्रोप्रिएट ठीक है, अप्रोप्रिएट कुछ भी अकाउंट्स में गड़बड़ करा या फिर अपने पावर्स का मिस यूज करा, देन मिस अप्रोप्रिएट करा तो सीधा उसको निकाल देते, या मिस मैनेजमेंट वगैरह करा तो ठीक है। बी हो गया बिकेम अनसाउंड माइंड ऑब्लिक कोड ऑर्डर मिस अप्रोप्रिएट। देन लास्ट इज बेनिफिट, इससे पहले पढ़े ना अपन कौन सा, ये बी क्या बोलते, बेनिफिट शुड बी एज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन यहाँ बेनिफिट दिया है ना, इफ ही डन बेनिफिट्स अगेंस्ट ऑफ रूल्स देन ही बी रिमूव, ही बी एक्सपेल फ्रॉम हिज पोजिशन, राइट। क्या क्या हो गया, राइट ड्यूटीज रिमूव, तीनों चीज वर्कबोर्ड हो गया वर्कबोर्ड के अंदर राइट्स के आरसीसी एफआईआर डी का एम्ब्रॉइड रिमूवल क्या है, बम आरसीसी एफआईआर एम्ब्रॉइड बम जैसा मुतवली या वर्कबोर्ड दिया ये डाल लो खत्म, ठीक है राइट।